नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो है चुनाव का सीजन चल रहा है, जिस कारण से कुछ दिन पहले आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में बहुत सारे जो है सरकारी कार्ड योजनाएं या जो भी कुछ योजनाएं चल रही थी वो काफी हद अस्थायी रूप से अभी बंद कर दी गई हैं। उसी योजना के अंतर्गत आती है संबल 2.0 योजना। अभी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें संबल कार्ड की अति आवश्यकता है, उन्हें अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाने के लिए। तो क्या ऐसी स्थिति में आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में जो है संबल कार्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम संबल कार्ड के जो है ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के लिए गूगल ब्राउजर में जाकर संबल 2.0 टाइप कर लेंगे। उसके बाद जो है हम ये पहले वाला जो लिंक है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और हम जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने जो है संबल कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल जो है खुलकर आ गया है। दोस्तों अब हम पंजीयन करने के लिए, क्योंकि हमें नया जो है संबल कार्ड बनाना है तो हमें पंजीयन करने के लिए जाना होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर राइट हैंड की तरफ आपको दिखलाई दे रहा है पंजीयन हेतु आवेदन करें। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जो है हमारा पंजीयन के लिए आवेदन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के दिखला रहा है आदर्श आचार संहिता लागू होने से नवीन पंजीयन पर रोक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखलाई दे रहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नवीन पंजीयन पर रोक है। और जैसे हम यहाँ समग्र आईडी वाले सेक्शन पे आ जाते हैं और हम अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हम परिवार आईडी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक कटा हुआ आइकन आ रहा है जो कि यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ हम किसी भी प्रकार से अपनी समग्र आईडी का नंबर नहीं डाल पाएंगे। यह टेक्स्ट बॉक्स जो है हाईलाइट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण से इन्होंने अस्थायी रूप से अभी नवीन पंजीयन बंद कर दिए हैं। मतलब कि अगर आप अभी वर्तमान में संबल कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो भाई यह कार्ड आपका अभी नहीं बनेगा, आपको आदर्श आचार संहिता खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी संबल कार्ड से संबंधित जानकारी कि अभी आदर्श आचार संहिता में आपका संबल कार्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो जैसा आपने देखा वीडियो में कि यहाँ पर आचार संहिता लागू होने के कारण से नवीन पंजीयन पर रोक है। तो दोस्तों आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में परिचितों में शेयर करें ताकि वह भी इस उपयोगी जानकारी का लाभ ले सकें। और आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।